हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलीशियस कुकिंग आवर चैनल। मैं हूँ रीमा। आज मैं लेके आई हूँ सोयाबीन का सब्जी विथ चिकन मसाला फ्लेवर। सोयाबीन को हम सोया चंक्स या न्यूट्रेला भी कहते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो आलू काट के धो लिया है। सोयाबीन 1 कप, प्याज का पेस्ट 2 प्याज का पेस्ट, 2 टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून घी, 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मीट मसाला पाउडर, 2 साबुत लाल मिर्च, लौंग, दालचीनी, 2 छोटी इलायची, जीरा, गोल मिर्च और यहाँ पे 2 तेज़पत्ता और हरी मिर्च मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैंने सभी मसाला 1 टीस्पून करके ऐड किया है। सबसे पहले एक पैन में पानी गरम करके उसमें न्यूट्रेला ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने बड़े साइज का न्यूट्रेला यूज़ किया है, आप चाहे तो छोटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें बॉयल नहीं करना है, जस्ट गरम पानी में हमें इसे डिप करना है। अभी एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लेना है। उसके बाद इसमें जो आलू काट काट के रखा हुआ था उसे हम अभी फ्राई कर लेंगे। इसमें 1/4 टेबल स्पून नमक और 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर यूज करके इसे फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाए, लाइट फ्राई हो जाए, तो हम इसे निकाल लेंगे। अभी उसी कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके उसमें जीरा, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 इलायची, दालचीनी, गोल मिर्च और हरी मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज का पेस्ट ऐड कर लिया है। प्याज को हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद ही हम दूसरा मसाला इसमें ऐड करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे प्याज थोड़ा भुन गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा अभी चला लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है। जब टमाटर और प्याज का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, उस पे अब हम मसाला ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। अभी हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करके मसाला को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे 2 तेज़पत्ता ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अभी इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। आप नमक स्वाद अनुसार यूज़ कीजिए। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अभी मैंने जो फ्राई किया हुआ आलू रखा हुआ था उसको इसमें डाल दे रही हूँ। इसको अच्छी तरह से अभी मिला लेना है। इस स्टेज में 1 टेबल स्पून मीट मसाला पाउडर और आप कोई भी चिकन मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं। अभी फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिला लेना है।
मसाला और आलू को अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसे इससे कच्चापन दूर हो जाए और आलू भी बॉयल हो जाए अच्छी तरह से। इस स्टेज में मैंने यहाँ पे सोयाबीन ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। पानी आपको ग्रेवी जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। टू टेबल स्पून टोमेटो केचप, 2 टेबल स्पून घी का ऐड कर देंगे इस पे। तो लीजिए, डिलीशियस सोया चंक्स का सब्जी बन के रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।